नमस्कार, मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है और एबीपी न्यूज़ का स्वागत है मेरे घर में। मैं शीघ्र ही आप लोगों को टेलीविज़न पे स्वामी रामदेव का किरदार निभाते हुए दिखने वाला हूं। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे घर के बहुत अहम सदस्य हैं। इनका नाम बख्तावर है, ये मेरे जीवन के बहुत बड़े साथी रहे हैं। रमेश हैं, ये हमारे घर के, ये समझिए कि ये माता पिता सब कुछ यही है। यहाँ के भोजन भी कराते हैं और सबका ध्यान भी रखते हैं। भोलेनाथ का भक्त हूँ तो इसीलिए मैं जब भी बाहर निकलता हूँ या घर में आता हूँ तो सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करता हूँ, उनके डमरू को प्रणाम करता हूँ और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। दिनचर्या की शुरुआत जो है वो सबसे पहले मैं उठ के अपने माता पिता का स्मरण करता हूँ। ये मेरे माता पिता हैं, पिता तो अब पंचतत्व में विलीन हैं जिनकी बड़ी याद आती है, और ये हमारी माता जी हैं। और फिर अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हर पल के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में सुंदर बनाया है, और उसके बाद फिर मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ योग से। उच्चारण जो है वो आप किसी एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ओम तीन मात्राओं से बना है। सबसे पहले तो आप आ ओ मा, तो कहा ऐसा जाता है कि ये जो ब्रह्मा का स्थान है वो आपके नाभि के पास होता है, फिर यहाँ पे ओ जहाँ से निकलता है वहाँ विष्णु का स्थान होता है, और जो म है तो म जो एक सबसे पहले आपके जो यूनिवर्स की शुरुआत होती है वो आपके सबसे पहला यूनिवर्स आपका ये मस्तिष्क होता है, क्योंकि इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपका यूनिवर्स ही अंतरिक्ष, उसके बाद फिर आप ऊपर की ओर जाते हैं। तो बड़ा ही साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके से इसको बांटा गया है, आ ओ मा। बहुत सालों की तपस्या जाती है तो मुझे अभी भी लगता है कि मेरा रास्ता अधूरा है, पर स्वामी जी के आशीर्वाद से, वो भी जैसा उन्होंने बताया है, जब भी उनसे मुलाकात होगी तो वो सिखाएंगे अवश्य। आप अनुलोम विलोम करें तो जो इसका आरंभ है वो आपकी बाई नासिका से ही होगा, और जो अंत है वो भी आपकी बाई नासिका से ही होगा, क्योंकि इससे श्वास भरने से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको कपालभाति करके बताता हूँ। घृत कुमारी है, एलोवेरा जैसे कहते हैं, ये आपको गिलोय का जूस है। गिलोय इसे संस्कृत में अमृता कहते हैं, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था तो कुछ जो राक्षस हैं वो कुछ अमृत लेके भागे भी थे, या देवतागण भागे थे, तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ पे ये आपको गिलोय की उत्पत्ति हुई थी, जिसे अमृता कहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके गुण हैं, वो अमृत के समान हैं। तांबे का ये लोटा है, इसमें रात में पानी रख देते हैं और सुबह पीते हैं, क्योंकि तांबे के लोटे में सुबह अगर आप पानी पिए तो इससे आपकी पाचन शक्ति जो है वो बहुत ही सबल रहती है और सुधरती है। नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करता हूँ, क्योंकि जो भी आप हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर को धन्यवाद देना बड़ा ही आवश्यक है, और ये पूजा मैंने अपनी माँ से सीखी है।
से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है माँ तेरे प्यार से। मैं तो यही मानता हूँ और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं भावुक हो जाऊँगा। ये हमारे बाबूजी आए हैं, वैसे तो मित्र के बाबूजी हैं लेकिन मैं इनको अपने बाबूजी से बिल्कुल कम नहीं आंकता। इनका नाम श्री राजीव चंद पिंजोला है और ये देहरादून के हैं और इनसे बड़ा ही आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ है मुझे। क्रांति एक बिल्कुल ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं शुरू से ही। यहाँ देखिएगा तमाम किताबें उनकी अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। इनका सौभाग्य है कि इनको स्वामी जी का वो की भूमिका का निर्वहन करने का अवसर मिला है। आपको बताया कि जो दिन का आरंभ है बहुत सारी चीज़ों के साथ, एक रिचुअल ऐसा भी है कि मैं अपनी माता जी को फ़ोन करता हूँ, उनसे बातें करने के बाद मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ अपने पूरे दिन को लेके। हाँ माते गुर लगी छिया, ये मेरी मातृभाषा है मैथिली, जिस मातृभाषा में मैं अपनी माता जी से बात कर रहा हूँ। माते तुरा प्रणाम, तुरा गुर लगी छिया, और कहन सकी हाल चाल सब नीक मुंशी कहन से। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मानते स्वामी जी ने मेरी, जब सबसे पहली मैं उनसे सबसे पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे विचार, दो परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा थी मेरे विचारों की परीक्षा, फिर दूसरी परीक्षा हुई मेरे योगासनों की परीक्षा, योग की परीक्षा। जब मैंने उनको बताया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ये कर लेगा ऐसा लगता है। स्वामी क्रांति प्रकाश झा की स्वामी रामदेव बनने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है। मेकअप दादा है, इनका नाम है मोहन दादा, तो उनके काम में कहीं भी आप कोई एक नुस्ख तक नहीं निकाल सकते। और मेरा तो बोलना है कि अभी जब शूट हो रहा है इसी बीच में इनके अंदर बाबा जी की आत्मा आ चुकी है। स्वामी रामदेव जो है जब उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया उसके बाद से वो ऑरेंज या जिसको भगवा कहते हैं वो पहनते हैं। उसके पहले जब वो गुरुकुल से निकले थे, गंगोत्री से निकले थे, तो उस वक्त सफ़ेद पोशाक थी उनकी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने खड़ाऊँ पहन रखी है, ये धोती है और यंग वस्त्र है। दीपल दोषी जो आचार्य बालकृष्ण जी का किरदार निभा रहे हैं। सच में ये हमारा सौभाग्य है मेरा कि एक तो ये किरदार निभा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिला भी था तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ था। यहाँ का भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है और बहुत ही हेल्दी है यहाँ का भोजन। आपको हम दिखाएंगे क्या क्या भोजन यहाँ मिलता है। ये कुशल सर हैं, ये शो के डायरेक्टर हैं। रोल पहले यही करने वाले थे। हाँ मैं, आप देखेंगे अगर एक बार सर टोपी निकाली अपनी, ये बाबा का रोल करने वाले थे लेकिन मैंने ऑडिशन भी दे दिया था पूरा, मुझे ही करना था। हाँ, लेकिन इन्होंने फिर बट फिर क्या, क्रांति सर मेरे दोस्त मिले हम तो ना यार ये तो मेरे ज्यादा अच्छे बंदे, ये यही कर ले फिर। मुझे आशा है कि आपको जो भी मेरी दिनचर्या है सुबह से लेकर और जब तक मैं आपके साथ था, आप मेरे साथ थे, वो आपको पसंद आई होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा
तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।